हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स विद खान। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जिस मेडिसिन का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उस मेडिसिन का नाम एसीजो 1000 एमजी टैबलेट है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन 10 टैबलेट्स के एक स्ट्रिप में आती है, जिसका मार्केट प्राइस 79 रुपीज़ है। तो चलिए इस वीडियो में एसीजो 1000 टैबलेट में पाए जाने वाले कंपोजिशन, इसके होने वाले यूज़ और बेनिफिट्स, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में डिटेल में जानते हैं, और हमेशा की तरह उन दवाओं के बारे में भी बात करेंगे जिनके साथ एसीजो 1000 टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेज हो सकते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड अगर आप इस चैनल के एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक करके ऑल पर भी दबा दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। तो आइए इस छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, एसीजो 1000 टैबलेट को आइकॉन रेमेडाइज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसमें साल्ट के रूप में सोडियम बाइकार्बोनेट 1000 एमजी के स्ट्रेंथ में शामिल होता है। फ्रेंड्स, इस साल्ट को बेकिंग सोडा के रूप में भी जाना जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट एक एंटासिड मेडिसिन के ग्रुप से बिलोंग करता है। जिसके यूज़ के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों, इस मेडिसिन का यूज मुख्य रूप से एसिड अपच, सीने में जलन और गैस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन सीने में होने वाले जलन के कारण खट्टे ढकार, पेट भारी होना या पेप्टिक अल्सर जैसे डिजीज को ठीक करने के लिए काफ़ी यूजफुल माना जाता है। इसके साथ साथ गैस्ट्रिक इरिटेशन के वजह से या पेप्टिक अल्सर के कारण आंतों में सूजन हो जाने के कंडीशन में भी एसीजो 1000 टैबलेट को डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये पेट में इकट्ठा एसिड की एक्स्ट्रा क्वांटिटी को कंट्रोल करने में काम करता है, और बॉडी में नमक और इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को बढ़ाता है। और हो सकता है कि डॉक्टर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इस दवा को किसी और डिजीज़ में भी प्रिस्क्राइब करते हों, सो इसे यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस सेक्शन में चलिए इस दवा के डोज के बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो इसका कॉमन डोज खाना खाने के बाद एक टैबलेट दिन में एक बार होता है, बट कभी कभी इसे दिन में दो बार भी दिया जा सकता है। लेकिन इसे यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि डॉक्टर पेशेंट के एज, वेट एंड पास्ट मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही किसी भी दवा का डोज निर्धारित करते हैं। अब चलिए वीडियो के इस सेक्शन में इस दवा से जुड़े कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स और प्रिकॉशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो एसीजो 1000 एमजी टैबलेट का कोई खास साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, लेकिन इसके यूज़ से हो सकता है कि पेट फूलने की समस्या हो, या उल्टी की समस्या हो, या इसके अलावा कब्ज या पेट में क्रैम्प करने की समस्या हो। तो ऐसे कंडीशन में इस दवा को फौरन बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें। एंड अगर इसके प्रिकॉशन के बारे में बात की जाए तो वैसे तो एसीजो 1000 टैबलेट हार्ट, लीवर और किडनी के मरीजों के लिए बिल्कुल सेफ माना जाता है, बट प्रेग्नेंट महिलाएँ और बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माताओं के लिए इसे यूज़ करना हानिकारक होता है। सो ऐसे पेशेंट को एसीजो 1000 टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, वीडियो के इस पार्ट में चलिए उन दवाओं के बारे में भी जान लेते हैं जिनके साथ एसीजो 1000 टैबलेट को लेने से नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। दोस्तों, ये मेडिसिन एस्पिरिन, मेमेंटीन, क्विनिडिन और लिथियम के ग्रुप के हो सकते हैं, इसलिए इन दवाओं के साथ एसीजो 1000 टैबलेट का यूज नहीं करना चाहिए।